शाहजीतपुर थाना क्षेत्र के मोती छपरा में NH 331 पर एक अनियंत्रित टेम्पो पलटने से 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शेष अन्य लोग घायल हो गए जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मृतक व्यक्ति सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के माधर निवासी सुदामा महतो के पुत्र 30 वर्षीय जितेंद्र कुमार महतो बताए जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक जितेंद्र कुमार महतो अपने ससुराल से पत्नी राधा देवी के साथ अपने घर वापस जा रहे थे। वे सभी एक टेम्पो में सवार थे, तभी मोती छपरा में NH 331 पर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। टेम्पो पर सवार सभी लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को टेम्पो से निकालकर इलाज के लिए बनियापुर भेजा गया। बनियापुर में इलाज के बाद मृतक के परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे जगह उन्हें ले जा रहे थे, तभी उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। आइए, क्या दिक्कत है आप लोगों का? मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। इधर दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। एक्सीडेंट भइल ह बैलेंस बिगड़ गई। कहाँ से आवत ह? कहाँ जातल ह? का नाम होता? गाड़ी के कर डबल 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 जी केकर गाड़ी हो? डबल 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 नामे हो डबल जी पर। घर कहाँ उनको? उनका घर है बनियापुर। बनियापुर तार घर कहाँ हो? बनियापुर। आधार कार्ड आर्यन 24 न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।